हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू केमिस्ट्री वर्ल्ड। तो आज सॉल्यूशन चैप्टर के लेक्चर नंबर 6 पर हमारी बात होगी, जिसमें हम एक तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पर बात करेंगे और फिर इसके बाद आ जाएंगे वांट ऑफ फैक्टर पे और फिर वन बाय वन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम स्टडी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टीज हुआ करती हैं जो किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करती हैं, ना कि उनके नेचर पर डिपेंड करती हैं। मतलब अगर 10 पार्टिकल हैं तो प्रॉपर्टीज कुछ और होंगी, अगर वहीं 20 पार्टिकल हो गए तो वहां प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी, बदल जाएंगी। अब ये कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं? पहला होता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरा होता है आपका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा होता है डिप्रेशन ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट और चौथा होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जनरली हमें यहाँ पर देखना है। पहली प्रॉपर्टी क्या है, दैट इज द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा आपका क्या होता है, दैट इज द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा जो होता है वो क्या है, डिप्रेशन ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथा जो होता है दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो जो अभी हमने बात कही इसी को थोड़ा सा मेंशन करते हुए चलते हैं। हमने आपसे बताया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं इसको जरा आप समझें। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज विच डिपेंड्स अपॉन, जो निर्भर करती हैं, डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इन सॉल्यूशन, बट नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, जो सॉल्यूट पार्टिकल के नेचर पर डिपेंड नहीं किया करती है। और कौन कौन सी बताएं जरा, देयर आर 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है, दैट इज द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा जो हमने बताया वो क्या है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा जो है दैट इज द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथा जो है वो क्या है आपका, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हमें ये ध्यान रखते हुए चलना है, वन बाय वन हम इन प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले हम इसके जस्ट बाद जो डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है, वांट ऑफ फैक्टर। तो आप इतना नोट कर दें, फिर आगे हम वांट ऑफ फैक्टर पर बात करते हैं। ठीक है, नोट करिए। चलिए तो आगे हम बात करेंगे आपसे किस पर, वांट ऑफ फैक्टर। ठीक है, वांट ऑफ फैक्टर एंड एबनॉर्मल मोलर मास, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखें आगे जो आपसे हम बात करेंगे, दैट इज वांट हाफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर को किससे लिखते हैं, हम आई से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, आई से लिखते हैं। तो वांट ऑफ फैक्टर को समझने के लिए थोड़ा सा एक एग्जांपल पर हम बात करते हैं। जैसे हमने क्या लिया, NaCl लिया, NaCl का जो मोलर मास है क्या है, मोलर मास है वो कितना है, सोडियम 23 और क्लोरीन का कितना होगा 35.5, दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 58.5 ग्राम, इतना आएगा। लेकिन अगर इसको उठाकर हमने पानी में डाल दिया, क्या किया, NaCl को अगर हमने NaCl को पानी में डाल दिया
ऐसी कंडीशन में इट विल ब्रेक इनटू टू पार्ट्स, ब्रेक हो जाएगा, बनेगा किसमें, Na प्लस एंड Cl माइनस। तो पहले कितने पार्टिकल थे, एक पार्टिकल था, कौन था, NaCl, लेकिन जब पानी में डाल दिया तो ये ब्रेक हो गया दो पार्टिकल में, कौन कौन से, एक Na प्लस और एक क्या है Cl माइनस। ठीक है, अब देखें यहां पर जो मोलर मास होगा पार्टिकल का, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द NaCl, हम पार्टिकल की बात कर रहे हैं। तो पहले कितना इसका मोलर मास था, 58.5 ग्राम, लेकिन अब जो है इसका मास क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये जो मोलर मास है जो आपने थ्योरेटिकली पता किया, इसको कहते हैं दैट इज नॉर्मल मोलर मास। क्या कहते हैं, नॉर्मल मोलर मास। अब बाद में जब पानी में डाल दिया, अब फिर ऑब्जर्व किया तो उसको क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज एबनॉर्मल मोलर मास। क्या कहलाता है, एबनॉर्मल मोलर मास। अब एक बात और समझें, अगर हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बात करें, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पर अगर हम बात करें तो पहले कितने पार्टिकल थे, एक, अब कितने पार्टिकल हो गए हैं, दो। तो अभी आपको हमने सिखाया क्या, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज विच डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। तो यहां पर क्या हो गया, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बदल गई है। तो वन ऑफ फैक्टर नॉर्मल मोलर मास और एबनॉर्मल मोलर मास के बीच एक रिलेशनशिप को बताता है। इसी तरह से नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बीच एक संबंध बताता है, क्या, दैट इज द वांट ऑफ फैक्टर। फिर से मैं रिपीट करता हूं, NaCl लिया, NaCl का जनरली मोलर मास कितना, 58.5 ग्राम, जब पानी में डाला तो इसमें क्या हुआ, डिसोसिएशन हो गया। क्या हो गया, डिसोसिएशन हो गया। तो यहां पर क्या हुआ, मोलर मास में कुछ बदलाव आ गया, कुछ चेंज आ गया, तो ये क्या कहलाता, दैट इज एबनॉर्मल मोलर मास। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, पहले एक पार्टिकल था, पानी में जब डाला तो दो पार्टिकल हो गए, तो इससे क्या पता चला, नंबर ऑफ पार्टिकल्स में डिफरेंस आ गया। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल में डिफरेंस आएगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी क्या होती हैं, बदल जाती है। ठीक है, और वांट हाफ ने क्या किया, इसी बात को बताया कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द नॉर्मल एंड एबनॉर्मल मोलर मास, नॉर्मल और एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए इन्हीं बातों को थोड़ा सा हम लिखते हैं, ठीक है, जरा समझें। अब एक बात और समझ लीजिए, यहीं पर जो सॉल्यूट होता है, सॉल्यूट दो कंडीशन में हो सकता है, पानी में होगा तो नॉर्मली एक ही पार्टिकल ऑब्जर्व करेंगे, लेकिन अगर नॉर्मल लेते हैं तो एक ही पार्टिकल जब पानी में डालेंगे या किसी सॉल्वेंट में डालते हैं तो वहां दो कंडीशन हो सकती है, आइदर में भी एसोसिएशन, आइदर में भी डिसोसिएशन, या तो एसोसिएशन होगा या तो क्या होगा, डिसोसिएशन होगा। अभी जो NaCl का केस हमने लिया, NaCl को अगर पानी में डालते हैं देन इट विल ब्रेक इनटू Na प्लस एंड Cl माइनस, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिसोसिएशन। लेकिन यहीं पर अगर आपने क्या ले लिया, बेंजोइक एसिड ले लिया, यहां दो पार्टिकल बेंजीन में, कहां पर, बेंजीन में एसोसिएट होकर एक पार्टिकल में बदल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण क्या होगा, इनमें एसोसिएशन होगा और पार्टिकल आपस में जुड़ जाते हैं। तो अब यहां पर समझिए, वन ऑफ फैक्टर आई बराबर क्या होता है, दैट इज नॉर्मल मोलर मास, नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल, क्या लिखेंगे, एबनॉर्मल मोलर मास।
अब एक बात और समझें, मोलर मास और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में इनवर्सली रिलेशनशिप होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो मोलर मास का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं आई बराबर ये हो जाएगा एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अभी और डिटेल में हम बात करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इसके बारे में, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा एक चीज और हम इसको लिख सकते हैं, क्या एबनॉर्मल मतलब एक्सपेरिमेंटल, ठीक है, और नॉर्मल मतलब थ्योरेटिकल। तो आप ऐसा भी कह सकते हो क्या, दैट इज ये आप एबनॉर्मल का मतलब क्या होता, ऑब्जर्व भी कह सकते हो, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और अपॉन थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या हो जाएगा, थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऐसा भी लिखा जाता है। अब एक बात और समझिए, एक और बोलते हैं क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर ऑपरेशन, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर ऑपरेशन, और यह हो जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर ऑपरेशन, नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर ऑपरेशन, ठीक है। तो ये जो है आपके फार्मूलाज हैं वांट ऑफ फैक्टर के, इसको हम लोग अप्लाई करेंगे जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो पहली चीज वांट ऑफ फैक्टर क्या है, नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मोलर मास। दूसरी बात क्या है, हमने सिखाया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, मोलर मास के। तो यहाँ आई बराबर क्या होगा, एबनॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय नॉर्मल, सॉरी एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। फिर क्या बताया, I बराबर होता है ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व मतलब एक्सपेरिमेंटल कह सकते हैं, और फिर क्या होगा, थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। आप याद क्या क्या रखेंगे, एक तो ये याद रखेंगे नॉर्मल नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर ऑपरेशन, ये हो जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर ऑपरेशन, ठीक है, नोट करें, फिर आगे चलते हैं कुछ प्रॉब्लम से इससे जुड़ी हुई करते हैं। चलिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये थोड़ा सा आराम से करते हुए हम लोग चलेंगे ताकि चीजें जो है क्लियर हो वन बाय वन। चलिए अब देखिए, जैसे यहां पर मान लेते हैं नंबर पहला, तो हम क्या लेते हैं, डिसोसिएशन का केस लेते हैं, क्या लेते हैं, डिसोसिएशन का केस। अब जैसे यहां पर मान के चलिए हमारे पास कितने पार्टिकल हैं, an, n का मतलब क्या हुआ, n पार्टिकल है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, वाटर में हमने डाल दिया पानी में, ये n पार्टिकल में ब्रेक हो गया, किसमें ब्रेक हो गया, n पार्टिकल। तो यहाँ पर कितना होगा, इनिशियल वन हुआ, ये आपका हुआ अभी इनिशियल कंडीशन है, और इनिशियल कंडीशन में क्या है, अभी ये वन है, ये कितना है, जीरो। लेकिन आफ्टर टी टाइम क्या करेंगे, आफ्टर टी टाइम थोड़े समय के बाद इसके कितने बनेंगे, n अल्फा, क्या बनेंगे, n अल्फा। यहां पर क्या लिखेंगे, 1 माइनस अल्फा, मतलब क्या हुआ, अल्फा पार्टिकल यहां से हटेंगे तो ये n अल्फा में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अब यहां पर देखिए टोटल पार्टिकल क्या करेंगे, टोटल पार्टिकल कितने होंगे, ये उन सबको जोड़ दो तो 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा, क्या होगा, 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा, इन पार्टिकल्स को आप ऐड कर देते हो। इसको अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं कितना, 1 प्लस n अल्फा माइनस अल्फा। अब यहां पर हो जाएगा 1 प्लस अल्फा कॉमन लीजिए, 1 माइनस n भी आप लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल। और अभी आपको हमने सिखाया आई क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर ऑपरेशन, यहां क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर ऑपरेशन, ऑपरेशन मतलब जो प्रोसेस करवा रहे।
अब आई बराबर बताएं नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर ऑपरेशन कितना होगा, 1 प्लस अल्फा n माइनस 1। नंबर ऑफ पार्टिकल कितना लिया था स्टार्टिंग में, 1, तो क्या हो जाएगा 1, तो लिख सकते हैं आई इक्वल टू 1 प्लस अल्फा n माइनस 1। आप इसको इधर भेजेंगे, इसको इधर शिफ्ट करिए, तो आई माइनस 1 बराबर अल्फा एन माइनस 1। और इधर आप लिखेंगे क्या, अल्फा इक्वल टू आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड वांट ऑफ फैक्टर। कह सकते हैं यहाँ पे ये क्या हमने निकाल दिया, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा एंड आई, वांट ऑफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बीच एक ही हमारा रिलेशनशिप बन के आ गया। तो फिर से मैं रिपीट करता हूँ, मान लीजिए कितने पार्टिकल हैं, एन पार्टिकल हैं, ये एन ए में ब्रेक होता है, स्टार्टिंग में कितना लिया था 1, कितना बना 0, कितना हो जाएगा इससे अल्फा जब जाएगा तो एन अल्फा इधर होगा, तो ऐसी कंडीशन में टोटल पार्टिकल कितना हुआ जाके इन सबको ऐड कर देते हैं, ऐड करने के बाद 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखें एन अल्फा को इधर रख लीजिए तो फाइनली अल्फा काम नहीं मिल जाएगा। अब आई बराबर नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर ऑपरेशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर ऑपरेशन। आई की वैल्यू यहाँ आफ्टर ऑपरेशन आपने वैल्यू रखी, तो आई 1 को इधर ले जाएंगे तो आई माइनस 1 इक्वल टू अल्फा, तो यहाँ पर ये यह आपको एक रिलेशनशिप मिल जाता। ठीक है, नोट करें फिर आगे बात करें। देखिए ऐसा दिया हुआ है बुक में, लेकिन अगर इसको हम और ज्यादा आसान करना चाहें तो उसका क्या तरीका है, इसको जरा समझिए। एक एग्जांपल आप याद रखेंगे वो कौन सा है, नॉर्मली हमने क्या ले लिया, NaCl ले लिया, NaCl ब्रेक कर गया Na प्लस एंड Cl माइनस, 1 पार्टिकल 0 0। ठीक है, अब यहां पर कितना होगा, 1 माइनस अल्फा, इधर बना अल्फा, ये हुआ अल्फा। आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो आगे कोफिशिएंट लगा होता वही आगे हम यहाँ पर लगा देते हैं। तो टोटल पार्टिकल बताइए, टोटल पार्टिकल बराबर 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, दैट बिकम 1 प्लस अल्फा, इसे कैंसिल आउट हुआ। और अब इधर क्या करेंगे, आई बराबर अगर आप निकालना चाहेंगे आई, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर ऑपरेशन 1 प्लस अल्फा, कितना लिया था 1, तो आई बराबर हो जाएगा 1 प्लस अल्फा, और अल्फा बराबर हो जाएगा कितना, आई माइनस 1। ये सिंपलेस्ट वे है। ठीक है, अगर आप फार्मूला नहीं चाहते हैं रटना तो यहाँ पर सीधे से आप क्या करें, वो कंपाउंड का आप डिसोसिएशन दिखा दीजिए, और जैसे जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पर वैल्यू बदलती चली जाएगी। अब एक बात ध्यान रखिएगा, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इसके लिए फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, अगर इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग है तो ऐसी कंडीशन में जो अल्फा होगा दैट इज इक्वल टू 1, अगर अल्फा हो गया 1 तो हो जाएगा आपका कितना, आई बराबर 1 प्लस 1, आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि 100% आयोनाइज हो, 100% होगा तो आई अल्फा की वैल्यू क्या होगी, 1। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, नोट करिए फिर आगे चलते हैं। चलिए इसके बाद जो है हम बात करते हैं डिग्री ऑफ एसोसिएशन की, एसोसिएशन की क्या कंडीशन हो सकती है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। आगे हम क्या देखेंगे, एसोसिएशन हमने क्या लिया, C6H5, या तो पहले हम फार्मूला जनरेट कर देते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर क्या हुआ, Na पार्टिकल लिया, बाद में कितना बनता है, An बनता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1, अभी कितना है 0 है, ये क्या है इनिशियल अमाउंट है, और ये आफ्टर टी टाइम, आफ्टर टी टाइम, तो ऐसी कंडीशन में 1 माइनस, ठीक है 1 माइनस कितना हो जाएगा, दैट इज देखें जरा एन अल्फा। ठीक है, अब यहां पर क्या हो जाएगा, दैट बिकम अल्फा बाई एन, जो यहां कोफिशिएंट लगा बस वही हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब यहां पर कितना हो जाएगा जरा समझें, ये तो आप इसको 1 माइनस अल्फा ही लेकर चले कोई दिक्कत नहीं,
तो टोटल पार्टिकल अगर हम देखें 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन एन के, ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं कितना 1 प्लस अल्फा अपॉन एन, ये माइनस होगा अल्फा, यहां पर लिखेंगे अल्फा कॉमन मिलेगा अल्फा 1 अपॉन एन माइनस 1 हो जाएगा। अब यहां पर आई की वैल्यू जो बताएंगे तो 1 प्लस अल्फा एन माइनस 1 अपॉन कितना लिखेंगे 1, ठीक है। अब आई बराबर आपको मिल गया कितना 1 प्लस अल्फा और 1 माइनस एन अपॉन 1। तो अब यहां पर अगर आप बताएंगे रिलेशनशिप वो क्या होगा, दैट विल बी द अल्फा इज इक्वल टू, या तो लिखेंगे अल्फा एन माइनस 1 अगर हो जाएगा आई माइनस 1, अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1 1 माइनस अल्फा, दिस विल बी द रिलेशनशिप। ये क्या होगा, रिलेशनशिप हो जाता है, ठीक है, नोट कर फिर आगे चलते। चलिए देखिए कुछ इससे जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स कर लेते हैं, थोड़ा कॉन्सेप्ट हमारा और बूस्टअप हो जाए। चलिए देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन है फाइंड आउट आई इफ 0.01 दिया गया है, 0.1 m एचसीएल एंड के ए स्क्वायर टू 10^-3। ये आपका जो ये जो क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट जनरेट करेगा, अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके करें फिर आगे हम बताना शुरू करते हैं। चलिए देखिए जरा, अब यहाँ पर क्या होगा, HCN आपका क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये ब्रेक करेगा किस में, H प्लस और CN माइनस में ब्रेक करता है। तो यहाँ पर पहले हम अप्लाई करेंगे ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ, क्या ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ, तो कितना हो जाएगा इसको हम कितना मान लेते हैं, दैट इज कितना C मान लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 0, ये कितना है 0, आफ्टर सम टाइम ये बनेगा सी अल्फा, सी अल्फा यहाँ से निकलेगा, ये बनेगा सी अल्फा, ये कितना होगा सी अल्फा, ये आप इक्विलिब्रियम में पढ़ चुके होंगे। अब यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, सी कॉमन है 1 माइनस अल्फा हम लिख सकते, तो आपको पता है एसिड के लिए के ए बराबर हो जाएगा प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, तो लिखेंगे एच प्लस अपॉन सी एन माइनस, इधर हो जाएगा क्या एच सी एन, ठीक है। अब देखें जरा यहाँ पर लिख सकते हैं के ए इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, सी अल्फा इंटू सी अल्फा, ये सी 1 माइनस अल्फा, अगर इसको देखें तो के सी से सी कैंसिल आउट होगा, ये हो जाएगा सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, कितना हो जाएगा 1 माइनस अल्फा। अब जरा और समझें बातों को, अब ये मान लेते हैं 1 माइनस अल्फा लगभग बराबर किसके है 1 के, ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा के ए इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। अब जरा देखें अल्फा स्क्वायर बराबर हो जाएगा के ए अपान सी, और अल्फा बराबर अंडर रूट के ए अपान सी, यहां पर एक डेरिवेशन भी हमने कर दिया, जरूरी क्यों था, क्यों, क्योंकि ये आपका वन टॉप से जुड़ा हुआ था, और वन टॉप से जो जो चीजें जुड़ी हुई है उन सब पर हमारी बात होगी, ठीक है। अब देखिए यहां से हम क्या बता सकते, क्योंकि अल्फा और आई दोनों आपस में जुड़े हुए, तो आप देखिए अल्फा निकालना है, तो यहां से क्या हो जाएगा के ए की वैल्यू दिया है 10^-3, सी का मतलब होता है कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन कितना है 0.1, आप लिखेंगे 0.1, या तो लिख सकते हैं 10^-1, इधर बनेगा 10^-2, और अल्फा बराबर आ जाएगा कितना 10^-1, दैट इज 0.1, कितना हो जाएगा 0.1, ठीक है, नोट करिए फिर आगे हम चलते हैं। हमको अल्फा मिल गया, इसके बाद हमको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा आई, क्योंकि आई और अल्फा का रिलेशनशिप होता है, ठीक है, नोट करिए फिर से एक बार समझ लीजिए, ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ अप्लाई करेंगे, यहाँ पे HCN ब्रेक करेगा H प्लस CN माइनस में, इनिशियल कंसंट्रेशन C है कितना 0 0, आफ्टर सम टाइम ये कितना होगा सी अल्फा निकलेगा, तो सी अल्फा एंड सी अल्फा, तो यहाँ के ए बराबर प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, फिर कितना हो जाएगा HCN, और यहाँ पर आपने क्या कर दिया वैल्यू रख दिया, और फिर इसके बाद क्या करते हैं 1 माइनस अल्फा को लगभग 1 मान लेते हैं, तो के ए बराबर सी अल्फा स्क्वायर, और अल्फा स्क्वायर बराबर कितना होगा के ए अपान
सी आपने क्या किया, वैल्यू रख दिया, ठीक है। अब इसके बाद हमको क्या बताना है, बताइए, हमको बताना है आई की वैल्यू, ठीक है। तो अब जरा समझे बात को, देखिए यहां पर आई हमको अल्फा मिल गया कितना, 0.1। अब HCN जो है ये ब्रेक करेगा किसमें, H प्लस CN माइनस में, इसका कितना है 1 है, 0 0। थोड़ी देर बाद कितना बनेगा अल्फा, और ये हुआ अल्फा, कितना लिखें 1 माइनस अल्फा। तो यहाँ टोटल पार्टिकल TP मतलब टोटल पार्टिकल 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, ठीक है, बराबर आ जाए कितना 1 प्लस अल्फा। I की वैल्यू अभी आपको निकालना बताया, टोटल पार्टिकल डिवाइडेड बाय टेकन पार्टिकल, तो 1 प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय कितना होगा 1, तो I बराबर होगा 1 प्लस अल्फा के, और I बराबर अल्फा की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, तो 1 प्लस 0.1 दैट बिकम 1.1, दिस विल बी द I, ठीक है। वन टॉप फैक्टर कितना आ गया, पॉइंट कितना, 0.1, 1.1। नोट करने फिर आगे चलते, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया है वो क्या है, क्वेश्चन है फाइंड आउट आई इफ, यदि पीएच इक्वल टू कितना दिया है, 3 दिया है, पीएच कितना दिया है 3 दिया है, एंड सॉल्यूशन इज 0.01 mHCl सॉल्यूशन है और पीएच 3 दिया है, तो आई की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी, ठीक है। वीडियो पॉज करके करें, फिर नहीं बताना हम शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए अब यहां पर क्या है, HCN ब्रेक करेगा किसमें, H प्लस एंड CN माइनस। अब यहां पर जरा देखें कितना होगा, C ये हुआ 0 0, ये इतना C अल्फा C माइनस C अल्फा आप लिखते हैं, ठीक है। अब आपको संबंध केवल इससे दिखाना, ये संबंध दिखाना, तो यहाँ पर हो जाएगा H प्लस का कंसंट्रेशन बराबर C अल्फा, और H प्लस बराबर कितना होता है बताइए। अब जरा देखें ये फार्मूला आपने पढ़ा है, हाइड्रोजन एंड कंसंट्रेशन बराबर 10 to the power minus pH, हाइड्रोजन एंड कंसंट्रेशन बराबर 10 to the power minus pH। यहां पर कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन एंड कंसंट्रेशन, पीएच की वैल्यू 3 दिया है, तो हाइड्रोजन एंड कंसंट्रेशन बिकम 10 to the power minus 3, लिख सकते हैं 10 to the power minus 3 सी अल्फा के। अब आपको कंसंट्रेशन भी दिया है कितना, 0.01, तो ऐसी कंडीशन में अल्फा बराबर होगा 10 to the power minus 3 अपॉन सी के, 10 to the power minus 3 अपॉन 10 to the power minus 2, इसको लिख सकते हैं 10 to the power minus 2 के, तो हो जाए कितना 0.1, कितना हो जाएगा 0.1। फिर उसी तरह से हम लोग कर देंगे, क्या ये जो आपका दिया हुआ है HCN that will break into H plus and CN minus, ठीक है, कितना होगा बताइए, 1 0 0, अल्फा और अल्फा 1 माइनस अल्फा यहाँ करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद कितना हो जाएगा, I बराबर सीधे रखते हैं, इन सबको ऐड करना है, 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 दैट कैन बी रिटन एज 1 प्लस अल्फा। I बराबर कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0.1 दिया है, 0.1 I is equal to 1.1, this will be the solution, ठीक है। थोड़ा सा आपकी स्पीड अप किया था, ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। HCN ब्रेक करता है H plus CN minus में, तो होता है क्या है, आपको H plus यहाँ पर C अल्फा के बराबर है, और H plus बराबर होता है 10 to the power minus pH, ठीक है, H plus बराबर 10 to the power minus 3, आपने क्या कर दिया, यहाँ पर वैल्यू रखा, अल्फा बराबर हो गया 10 to the power minus 3, यहाँ से कितना 10 to the power minus 2 वैल्यू रखा, तो 0.1 आया। उसी तरह से हमने क्या कर दिया, इसको कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। एक बार आप नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं। तो ये वांट ऑफ फैक्टर के बारे में मैक्सिमम से मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन हमने देने का कोशिश किया, और तो इसमें आज हम लोग इतना ही करते हैं, बाकी जो हम करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और कोशिश करें बार बार इसको रिपीट करें, ठीक है, जितना रिपीट करेंगे उतना कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होता है, ठीक है, ओके।